आज मैं आपको ऑफिस बटन और फाइल ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। विंडो 2007 में ऑफिस बटन और विंडो 2019 में हम फाइल का यूज करते हैं, दोनों ऑप्शन सेम हैं। न्यू, ओपन, सेव जैसे ऑप्शन फाइल ऑप्शन में भी डिस्प्ले होते हैं, और अगर हम 2007 पे वर्किंग करते हैं और ऑफिस बटन का यूज करते हैं तो इसमें भी न्यू, ओपन, सेव जैसे ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो इसमें न्यू ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर लाने के लिए इस पर डबल क्लिक करके या फिर क्रिएट का यूज करके आप डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद जब हम इसमें वर्किंग कर लेते हैं तो की गई वर्किंग को सेव करना जरूरी है। तो वर्किंग करने के बाद ऑफिस बटन से हम इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो फाइल नेम आप सेव कर रहे हैं वो फाइल नेम दूसरा नहीं होना चाहिए। फाइल नेम सेव करने के बाद उसको चेक कर लीजिए कि आप किस फोल्डर में उसको सेव कर रहे हैं। सेव पर क्लिक करते ही आपकी फाइल का नाम टाइटल बार में डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर आप इस फाइल पे अगली लाइन पर वर्किंग करना चाहते हैं तो भी आपको फाइल सेव करना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपने फाइल को एक बार सेव कर दिया है तो वो सेव रहेगी। आपको दोबारा फाइल को सेव करना है लेकिन नाम नहीं देना है। दोबारा सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार से सेव का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस बटन के सेव ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो तो आप सेव एस का यूज करिए और उस फाइल का डुप्लीकेट बनाइए। लेकिन उसका मैटर ये नहीं है कि पहले वाली फाइल का मैटर चला जाएगा, वो भी फाइल रहेगी और जो दूसरी फाइल आपने बनाई है वो भी रहेगी, और दूसरी फाइल का नाम भी टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ओपन। आपने जो भी फाइलें सेव की हैं अब उनको खोलकर आपको देखना है, तो आप ओपन जैसे ऑप्शन का यूज करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक रीसेंट डॉक्यूमेंट ठीक ओपन के बगल में आता है जिसमें आपकी लेटेस्ट सेव की गई फाइल्स डिस्प्ले होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्हीं में से किसी फाइल को ओपन करके काम करना है तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल का नेम यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप ओपन का यूज करके सेव की गई सभी फाइल्स आपकी डिस्प्ले होती हैं। आप डायरेक्ट फाइल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन में हम लोग ने जो फाइल तैयार की गई है अगर हमको लगता है कि पूरा तैयार हो गया है लेआउट हमारा तो उसका प्रिंट निकालना है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सजेशन है कि आप रिव्यू जरूर चेक कर लीजिए। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेज मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, या कुछ एरर है। अगर कुछ गलती हो गई है तो फिर आप स्पेस सेटअप पे जाकर करेक्शन कर सकते हैं। जूम ऑप्शन से पेज को आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, और 100% से आप एक्चुअल साइज में पेज को देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल में पेज कितना बड़ा है। अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस पे वर्किंग की है तो आप टू पेजेस, वन पेज करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। आप आगे का पेज और पीछे का पेज देखने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनली आपको लगता है कि आपका लेआउट पूरा प्रॉपर तैयार है प्रिंटआउट के लिए, आप क्लोज करके प्रिंटर ऑन करने के बाद प्रिंट कमांड दीजिए जिससे आपकी हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रिपेयर। प्रिपेयर ऑप्शन में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में सेव की गई इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इसको हम व्यू या एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में पूरा डॉक्यूमेंट चेक करता है कि इसमें कोई हिडन पर्सनल इन्फॉर्मेशन या मेटा डॉक्यूमेंट तो नहीं है। इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है आप कहीं पे भेज रहे हो और आपको लगता है कि वो कोई दूसरा रीड ना करे, तो उसमें कोड लगा दिया जाता है जिसमें कोई रीड नहीं कर सकता है और डेस्टिनेशन पर उस कोडिंग को हटाकर रीड कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट परमिशन में यूजर्स को एडिट, कॉपी, प्रिंट करने से रोक दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट को कहीं भी भेजने के लिए अगर आपको लगता है कि उसमें हमें प्रॉपर सेटिंग्स करनी है तो आप प्रिपेयर ऑप्शन में दी गई और सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। सेंड। सेंड में आप अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल और इंटरनेट फैक्स से अटैच कर सकते हैं। पब्लिश।
दूसरे लोगों तक डॉक्यूमेंट को पहुंचाना हो तो आप पब्लिश का यूज़ करिए। इसमें ब्लॉग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस जैसे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्लोज ऑप्शन से आप वर्ड फाइल को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वर्ड विंडो क्लोज नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि हमको अपनी फाइल को क्लोज करना है, मेरी वर्किंग हो गई है, तो क्लोज करने से पहले लास्ट में आप एक बारी फाइल को ज़रूर से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ही आप अपनी फाइल को क्लोज करिएगा। क्लोज करते ही आपकी वर्ड फाइल क्लोज हो जाती है, लेकिन विंडो ओपन रहती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहें। अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।